ये जनाब यहाँ पे टिड्डी दल आई हुई है, टिड्डी दल को भगाने के लिए हमने यहाँ पर धुआं लगाया है, तो धुएं की वजह से ये इर्द गिर्द जहाँ तक धुएं का असर जाता है ये उस जगह पर टिड्डी दल नहीं बैठ रही, बल्कि ऐसा होता है कि यहाँ पर इस धुएं के करीब आकर टिड्डी दल खुद ब खुद इसमें गिर जाती है। कहने वाले यही कहते हैं कि इसको नज़र नहीं आता जब यहाँ पर धुआं बढ़ता है। यहाँ पर कुछ ये झाड़ वगैरह थे, इनको आग लगाई है जिसकी वजह से अब टिड्डी दल यहाँ से भागना शुरू हो गई है धुएं की वजह से। तो आप अगर अपने फसलात के इर्द गिर्द धुआं देंगे तो ये टिड्डी दल खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगी। आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये अब भागना शुरू होगी है धुएं का, जहाँ जहाँ ये धुआं चल रहा है। अब धुआं इस तरफ जा रहा है तो ये यहाँ से उड़ान भरती हुई भाग रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से टिड्डी दल अब धुएं की वजह से भाग रही है। आप अपनी फसलात को स्प्रे अगर आपके पास बहुत चल रही है तो इर्द गिर्द में धुआं लगाएं, जैसे ये आपके पास झाड़ियां हों उनको लगा दें, या फिर गाय भैंस के गोबर खुश्क गोबर हो उसका धुआं लगा दें जिसकी वजह से ये टिड्डी दल भाग जाएगी। ये अजमूदा फार्मूला है, आप इसको आजमा के देखें। और ये देखें ये धुएं से जा रही हैं और इसके ऊपर जूही आती हैं, या तो इसके नीचे आग में गिर जाती हैं या फिर भाग जाती हैं यहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ी आफत है, इसे ख़त्म करने के लिए हर किस्म के सिस्टम गवर्नमेंट के पास तो नहीं है सर, लेकिन सबको मिलजुल कर इसका तदारुक करना होगा। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह से कितना।